आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी मूवी के जो बहुत मशहूर हो रही है, बहुत ज्यादा हिट जा रही है, इंडिया में बड़ी देखी जा रही है। लेकिन आप जानते हैं कि जो ऐसे मौजूदात पर, ऐसे टॉपिक्स पर जो मूवीज बनती हैं, कहीं पर भी, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, पूरी दुनिया में, जो कि थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हो या कुछ इस तरह के बहुत ही हार्डकोर टॉपिक्स हो, जो इस तरह की हो कि जिसके ऊपर थोड़ी सी तफरीक पाई जाती हो, तो अगर उसके ऊपर जो है एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए तो फिर वो मूवी बहुत वायरल होती है। अच्छा, इसी तरह से ये मूवी बहुत वायरल होती है। इसके ऊपर कुछ सवाल आते हैं मेरे साथ। इस पे बात करने के लिए आज मौजूद है इंडिया के मारूफ जर्नलिस्ट हैं और अपना ब्लॉग्स भी करते हैं, जनाब रोहित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो रोहित शर्मा जी। थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग मी। रोहित शर्मा, आपसे मैं इसी मूवी पे बात करूंगी जो मैं बात कर रही हूँ, कश्मीर फाइल्स पे आज हम बात करेंगे। मैं पहले आपके सामने कुछ चीजें रखे देती हूँ जो मुझे पता चली। मैं आपको ये बता दूं अपने व्यूअर्स को कि मैं अभी तक ये नहीं देख पाई, क्योंकि अभी जो मुझे इसका प्रिंट मिला या नजर आया वो था कैमरा प्रिंट, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखती, कि भाई वो उसमें पता ही नहीं चलता, बहुत ही बोरियत होती है और सर दर्द शुरू हो जाती है। मैंने कहा इसका जब सही प्रिंट जो है वो होगा तो तभी मैं देखूंगी। मेरा ख्याल है कि नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी कुछ दिनों में, तब मैं देख लूंगी। लेकिन मैंने इसके कुछ क्लिप्स, कुछ शॉर्ट्स देखे और फिर मैंने बहुत कुछ पढ़ा है इसके बारे में, और फिर मैंने इसका कुछ ऐसी जो सिनेमा में लोग बैठे हुए जो देख रहे थे, जब फिल्म खत्म हुई वो उठे तो उसके बाद में बहुत कुछ हुआ, वो भी मैंने देखे, क्लिप्स देखे, यानी जो पहुंचते हैं आपके पास सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के जरिए, वही देखा है। तो लेकिन बहरहाल पता चलता है कि फिल्म में क्या है, लेकिन इसके ऊपर हम पूछेंगे रोहित शर्मा से। रोहित जी, मैं आपके सामने कुछ सवालात रख देती हूँ। एक तो ये कि इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक जो आप कह लीजिए सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो ये कह रहा है कि बहुत जबरदस्त मूवी है, इंडिया में बहुत इसकी तारीफ की जा रही है, लोग इसके इतने दीवाने कि मैंने ऐसे क्लिप्स भी देखे कि जब वो मूवी देख के उठे हैं सिनेमा में तो वहां पर शायद डायरेक्टर या कोई मौजूद था तो उसके उन्होंने हाथ चूमने शुरू कर दिए, उनके पांव पकड़ लिए, उनसे लिपट गए, रोना शुरू कर दिया, इस हद तक इमोशनल हुए लोग। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे क्लिप्स भी हमारे पास पहुंचे जिसमें हमने देखा कि लोगों ने, जब मूवी खत्म हुई तो उन्होंने उठ के बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए, शाहरुख खान, आमिर खान, जो वहां पे मुस्लिम एक्टर्स हैं उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और बहुत कुछ, इसको बंद किया जाए, ये इसके ये है। ये दोनों तरह की जो है ना फीडबैक मिल रही है। और इसके बारे में एक ये कहा जा रहा है कि बहुत ही कमाल की मूवी बनी है क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि जो जेन्युइन टॉपिक है और जिसपे मूवी बननी चाहिए, और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इसमें क्योंकि सियासत शामिल कर दी गई और ये एक इसमें प्रोपेगेंडा भी शामिल है, और क्योंकि पोलिटिकल मोटिवेटेड मूवी है तो इसके इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी है। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपका इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है? मुझे बताइए अभी तक ये कितना इसने रेटिंग की है और क्या कुछ आप इसके बारे में जानते हैं? मैम ये मूवी जो है अब तक की टोटल मिला के मैं बताऊं तो अब तक की 42nd हाईएस्ट अर्निंग मूवी है इंडिया में। अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं इसकी ओवरसीज कलेक्शन हमें अभी तक उसके उस पर क्लैरिटी कम है, लेकिन इंडिया में अब तक 180 करोड़ रुपीस कमा चुकी है, 180 करोड़ रुपए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका कलेक्शन है, डे बाय डे इसकी कलेक्शन बढ़ रही है। वैसे इसकी टीवी पर पब्लिसिटी या इसकी एड में पब्लिसिटी कम है, थ्रू वर्ड इसकी पब्लिसिटी ज्यादा है, टॉक ऑफ द टाउन है। जिस आदमी से बात कीजिए वही बोलता है कि देखी कि नहीं। इसका मतलब ये ग्रॉस करेगी इससे ज्यादा, इससे नीचे जो मूवीज हैं माय नेम इज खान, दबंग 3, इससे कम कमाई, जो कि वो पूरी पूरी उनकी लाइफ टाइम अर्निंग है। इसकी अभी 2 ही हफ्ते की अर्निंग है, तो ये मूवी करने तो जा रही है कुछ धमाल। और दूसरी चीज, जहां तक बात यह है कि कुछ लोग पैर छू रहे थे, कुछ लोग उनका हाथ चूम रहे थे, द रीजन बीइंग के बहुत सारे लोगों ने उस चीज को खुद एक्सपीरियंस किया था। वो कश्मीरी क्राउड है, वो लोग हैं जिन्होंने एग्जैक्टली ये फेस किया था, और ये फेस करके वो लोग बाहर निकले थे। कश्मीरी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी की गई थी, उसके बाद बहुत सारे कश्मीरी उसको देख के आए। जितने लोग देख के आ रहे हैं वो बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, जितना दिखाया गया उससे कई गुना ज्यादा उसमें हुआ, एक्चुअल में हुआ था। जो दिखाया गया वो भी कम नहीं है, और अगर एक्चुअल मान लें कि यही हुआ था, और एक्चुअल मान लें इन द सेंस के ये जो कुछ भी उन्होंने दिखाया है एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद दिखाया है, सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड्स हैं और मौजूद हैं, किताबों में लिखी हुई हैं, किताबों में, न्यूज़पेपर्स में, रिपोर्ट्स में, ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट्स में, ये सारी रिपोर्ट्स में लिखी हुई हैं। तो इसलिए
उसमें कोई फैक्चुअल एरर्स नहीं है, ऐसा कोई कंटेस्ट अब तक नहीं कर पाया कि कोई फैक्चुअल एरर्स थी, और जो दिखाया गया उसे मैं अगर आपको भी दिखा दूं। आप रुकिएगा, एक तो आपने ये बात की कि देखिए मुझे ये बताइएगा, हमें अभी तक ये पता चला है कि ये जो मूवी है इसका टॉपिक जो, और जो क्लिप्स हमने देखे थोड़ी बहुत, कि इसका टॉपिक है कि कश्मीर में जो पंडित वहां पे बसते थे, वहां के जो नेटिव्स थे आप ये कह लीजिए, उनको वहां से बाहर निकाला गया जबरदस्त, और किस तरीके से निकाला गया और उनके ऊपर कितने जुल्म किए गए, ये वाला इसका टॉपिक है। आप क्या समझते हैं यही, या इससे बढ़कर भी उसका कोई टॉपिक है, कुछ और भी शामिल किया गया है? और जो आपने फैक्चुअल मिस्टेक्स की बात की, उसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या फैक्चुअल मिस्टेक्स नहीं है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि एग्जेजरेशन है? एग्जेजरेशन नहीं है, एग्जेजरेशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ उसमें दिखाया गया है वो रिकॉर्ड्स में मौजूद है, और उन आदमियों का नाम बताया जा सकता है जिसके साथ वो हुआ था। हालांकि कुछ चीजें क्लब की गई हैं, एक ही कैरेक्टर पे तीन चार चीजें दिखा दी गई हैं, एक लेडी के हस्बैंड को मारा, वो चावलों पे गिरा, वो चावल उस लेडी को खिला दिए गए, ये एक्चुअल में हुआ था। और उस लेडी का नाम वो बी के गंजू की वाइफ थी जिनके साथ हुआ था, जिनको चावल के एक स्टैक में उनके हस्बैंड घुसे हुए थे छुपने के लिए, बचने के लिए उनको गोली मारी गई, बह रहा था वो चावलों में, वो चावल उसकी वाइफ को खिला दिए गए। दिस वॉज बी के गंजूज वाइफ। नहीं, ये हम इसकी ठीक है, बिल्कुल शामिल है, हम देखेंगे तो यकीनी तौर पर इससे पता चलेगा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये सब कश्मीरी पंडित है ना जिनके, तो यही मैंने सही कहा ना कि इसका जो मौजू है वो वहां के कश्मीरी पंडित है? या कश्मीरी पंडित वहां पे थे, और उन्होंने पंडित को, उन्होंने उनका अपना ये कहा कि आइदर लीव और कन्वर्ट और डाई, उनका ये डायलॉग था, उनका ये स्लोगन था। जिन लोगों ने छोड़ा नहीं और कन्वर्ट नहीं हुए उनको मार दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया। वो रात, वो जो 1990 की जनवरी की रात थी, जो करीब उधर से लाखों पंडित बाहर निकले, कुछ कैंप्स में गए, कुछ दिल्ली में, कुछ जम्मू में, और तीन चार जगहों पे कैंप्स में रह रहे, इन्होंने कई साल ये कैंप्स में रहे, और फिर उसके बाद दे स्टार्टेड देयर लाइफ अगेन। वो लोग जिनके वहां पे तीन तीन मकान थे, वो लोग भी कैंप्स में रहे, और खाने के लिए भी नहीं था उनके पास। सच तो ये है, इतनी बुरी हालत आ गई थी। वो सारी सिचुएशन बताई गई कि कैसे उन्हें भगाया गया, कैसे मारा गया, और कैसे पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक की कमांड में या किसी दो की कमांड में, या पुलिस वाले, उनको भी डर था कि ये हमें मार सकते हैं, आतंकवादी हैं, ये हमें मार सकते हैं, तो उन्होंने भी एक्शन नहीं लिया, किसी की सिक्योरिटी में लगाया, उस आदमी को ही मार दिया गया। पुलिस सिक्योरिटी में बाहर खड़ी थी, लेकिन पुलिस वाला साफ बोलता है कि जी हमें तो वहां से आतंकवादियों से भी धमकी मिली थी कि हम मारेंगे, तो हम किसकी बात मानते, आपकी मानते, उनकी मानते, ये हुआ था, सच है। और कैसे इस्लाम के नाम पे, कैसे इस्लाम के नाम पे कि आप कन्वर्ट नहीं होंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा, एंड देन मस्जिदों से नारे लग रहे थे कि अपनी लेडीज को छोड़ के सारे आदमी भाग जाओ, वो ये भी रिकॉर्ड में मौजूद है, आज से नहीं है, 20 साल से मौजूद है, तो ये सब सच बताया गया, इसमें कोई शक नहीं। रोहित शर्मा, बिल्कुल, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, और ये अगर आप पढ़ें तो उसमें ये जेन्युइन एक टॉपिक है, इसके ऊपर मूवी बनाई गई। अच्छा, इसमें जो सवालात उठते हैं, जो मेरे जहन में सवाल आ रहे हैं, जैसे ये जो बात की जा रही है, तो एक रात में तो ऐसा नहीं हुआ होगा, यानी अगर आप लाखों पंडित्स की बात करें तो इसमें एक रात में तो सारा नहीं हुआ होगा, तो फिर क्या आप क्या समझते हैं कि क्या वजह थी कि हुकूमत ने इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इस चीज को रोका क्यों नहीं? क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी रियासत में या किसी मुल्क में ऐसा हो रहा होगा, इतने बड़े लेवल पर हो रहा होगा, तो उसकी हुकूमत अलग तो उससे नहीं रह सकती, तो आप क्या समझते हैं कि क्यों नहीं ऐसा इसको रोका गया? इसमें दो चीजें, एक चीज ये कि यही दिखाया गया है कि कश्मीर के जो सीएम थे उस समय और इंडिया के जो होम मिनिस्टर थे वो भी कश्मीरी मुस्लिम थे, इन दोनों ने एक्शन नहीं लिया, लेकिन उससे पहले से भी हो रहा था, नो डाउट अबाउट इट, उससे पहले से चल रहा था, और उसको रोकने के लिए कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, फिल्म में दिखाई गई, जो हुआ दैट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि हमारी पॉलिटिक्स या हमारे पॉलिटिशियंस एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे, चाहे कश्मीर का सीएम हो या उस समय के होम मिनिस्टर हो, सब एक्शन नहीं लेना चाह रहे थे,
मारे तो बहुत सारे लोग गए थे और उस समय की गवर्नमेंट ने इसकी एक्चुअल फिगर्स नहीं दी थी, लेकिन जो दिख रहा है उससे एक कंट्री में एक गुस्सा जरूर दिख रहा है कि इस तरीके का हुआ हमारे हमारे लोगों के साथ और हमें डार्क में रखा गया, डार्क में रखा गया कि कहीं कहीं एक एक आर्टिकल छप गया और हमें एक्चुअल सिचुएशन या एक्चुअल व्हाइट पेपर कभी नहीं आया। एक व्हाइट पेपर आना चाहिए था गवर्नमेंट की तरफ से, एक एसआईटी बैठनी चाहिए थी, वो भी अब डिमांड फिर से उठी है कि एसआईटी बैठाई जाए। सही, बिल्कुल, बहुत आपने वैलिड की भाई व्हाइट पेपर और इस तरीके से एक जीआईटी बनी, जिस तरह की हम बात करते हैं। आपको पता है कि बांग्लादेश की जब ये जो मशरकी पाकिस्तान का वाकया हुआ था, फॉल ऑफ ढाका, तो उस वक्त उसकी जो हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट है वो बहुत अरसे के बाद आई और बड़े मतलब उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज होता रहा, प्रेशर आए, सब कुछ हुआ। उसके बाद अब कुछ अर्सा पहले जो वो हुई है जिस पता चला है सब कुछ, तो ये होता है इस तरह के। लेकिन मैं आपसे एक बात ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह आप ये कह रहे हैं, हम आपने ये कहा कि चले ये तो ठीक है कि उस वक्त जो सीएम या जितने भी वहां पे थे वो मुस्लिम थे, क्योंकि और क्योंकि आपका ये कहना है कि उस वक्त मुस्लिम के तहत ये वही कर रहे थे जुल्म, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक अगर आप देखें तो बेशुमार हुकूमतें आई हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही कि उसको क्यों नहीं कैटर किया गया और किसी और हुकूमत ने अभी तक इतने साल गुजरने के बावजूद इस मसले को हल क्यों नहीं किया, उन्होंने क्यों नहीं कहा कि ये जो है ये दोबारा जाए और रुके? या ये हमारी मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने, मतलब हमारी अलग अलग गवर्नमेंट्स ने काम शुरू किया था, ये लोग भेजे गए वहां पर कुछ 150 के आसपास वहां भेजे गए सेटल करने के लिए, जो लोग वहां पहुंचे उनको फिर से मार दिया गया, ये हुआ था। देन अभी हाल में मैं बात करूं पिछले 2 महीने में भी कई हुए हैं, माखनलाल बिंद्रू को मार दिया गया, वो कश्मीरी पंडित थे, उससे पहले एक आदमी इंडिया से गया हुआ था, वो सिर्फ गोलगप्पे बेच रहा था, उसको मार दिया गया, और कई मारे गए। तो मारने के लिए तो आतंकवादी हैं ही, वो तो अभी वहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और आतंकवादी से रियलिटी देर, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कब तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा? अब इस समय सिचुएशन यह है कि वहां पर वैली में बीजेपी की पावर राइज कर रही है, यूथ बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, जो हमें दिख रहा है उस हिसाब से बीजेपी सीट्स ले रही है, वैली में सीट्स ले रही है, बीजेपी थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट सीट्स टेकर होती है लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां का यूथ हमारे जम्मू कश्मीर आर्मी ज्वाइन कर रहा है, जम्मू कश्मीर लाइट इन्फैंट्री जो हमारी आर्मी है उसको, तो सिचुएशन चेंज हो रही है और एक रेडिकल चेंज हम लोगों को दिख रहा है। इसमें वो लोग ज्यादा हैं जिनको ये दिख रहा था कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया, पिछले 30 साल में डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, सारा पैसा पता नहीं कहां गया, तो वो लोग ज्यादा हैं। कांग्रेस ने भी अपनी पावर इंक्रीज की है, जो लोग बीजेपी नहीं ज्वाइन कर रहे थे वो कांग्रेस की ओर टिल्ट हुए हैं, तो हमें अब एक नया ट्रेंड दिख रहा है जहां पर जम्मू कश्मीर का यूथ जो है वो इंडिया को ऐसा समझता है कि इंडिया से ही हमारा भला हो सकता है और इस 30 साल में हमें आतंकवाद से कुछ नहीं मिला। ये फिल्म जरूर, ये मूवी जरूर जम्मू कश्मीर के लोगों को रियलिटी दिखाएगी कि क्या हुआ था, और बहुत सारी ऐसी आवाजें हैं अभी हाल में मोर रिसेंटली वो ये बोल रही हैं कि हम अब इससे बाहर निकले और दोबारा एक नया कश्मीर बनाए। एज वी आर टॉकिंग, जिस समय हम बात कर रहे हैं, यूएई का एक डेलीगेशन इस समय वहां बैठा है जम्मू कश्मीर में, आज उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मीटिंग की है श्रीनगर में, वो वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए गया है, वहां पर टेक्नोलॉजी पार्क वगैरह बना रहे हैं, साथ में और कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इससे दिख रहा है कि सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन एक भी हत्या होती है तो वो मैटर सीरियस है, वो नहीं होनी चाहिए, तो और जब तक एक भी किलिंग होगी खतरा बना रहेगा। मेरा आपसे सवाल अब ये होगा कि भारत के अंदर से ही काफी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने इसकी मुखालफत की, जो कि ये कह रहे हैं कि ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिक्चर है, एक ऐसी मूवी है कि जिसके पीछे एक एजेंडा है और इसमें प्रोपेगेंडा बहुत शामिल किया गया और इसकी वजह से जो मुस्लिम और हिंदू में जो तफरीक है वो बहुत बढ़ेगी, यानी मुसलमानों के ऊपर जो है वो मजीद सकते हैं। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान का मैं इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त शामिल नहीं कर रही, तो उसको तो हम शामिल करेंगे, तो वो तो जाहिर है कि यही होगा ना कि भाई वो तो जाहिर है कि ऐसे ही चाहेंगे, यही कहेंगे, खिलाफ ही बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ जो कुछ मैंने पढ़ा है अभी तक जो सामने आया है, तो भारत के अंदर के लोग जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? मैडम देखिए, ये चीजें कि
लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल रहे हैं, ठीक है वो बोल सकते हैं, दे हैव अ राइट टू स्पीक। और इंडिया में फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जितना यूज होता है उतना ही मिसयूज भी होता है। और इंडिया में इंडिया एक ऐसा कंट्री है ना जहां पर आपको बोलने की बड़ी आजादी मिलती है, कोई भी आदमी कुछ भी बोल जाए, मतलब आपके पास। और जंतर मंतर दिल्ली की एक ऐसी जगह है तो हिस्टोरिकल प्लेस, लेकिन वो एक ऐसी जगह है कि आपके घर में पानी नहीं आया ना तो आप वो वहां पे तीन आदमी हमेशा प्रोटेस्ट करते मिलते हैं। वो किस चीज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह है। तो ये पूरा राइट है सबका, सब करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग इसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड बोल रहे हैं अच्छी बात है बोले, लेकिन इस मूवी में जो दिखाया गया वो रियलिटी है। चाहे मैं कहता हूं मैं सीधे एक बार के लिए, वो तो मैंने खुद से आपको कह दिया, आप जो बात कर रहे हैं कि वो जो टॉपिक है वो एक जेन्युइन टॉपिक है, वहां पर जो है जो पंडित्स का मामला है वो बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं कि वो एक रियल टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुद से झूठ कोई गढ़ के बता दिया। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि वहां के लोग जो हैं, और बड़ी तादाद में इस तरह की वायरल्स हुई है क्लिप्स और वीडियोस वगैरह ना, कि जिसमें जो है वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, और वहां के बड़े ऐसे लोग भी के जो बड़े पढ़े लिखे हैं या जो है तो वो ऐसा समझ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वजह से ऐसा है कि क्योंकि बीजेपी की तरफ से इसको सपोर्ट मिली और इस वजह से कहा जा रहा है कि भाई इसको तो एक सियासी पार्टी की सपोर्ट है, या वो वाकई मूवी देखने के बाद ये कह रहे हैं कि इसके अंदर प्रोपेगेंडा शामिल है, इन दोनों में से क्या बात? नहीं, बीजेपी की इस आयरोनिकली बोलिए या जो बोलिए, बीजेपी की पॉलिटिकल फेलियर बोलिए, जो बोलिए, पांच दिन तक फर्स्ट फाइव डेज बीजेपी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं था इसके फेवर में, बीजेपी के लीडर्स का एक ट्वीट नहीं था इसके फेवर में, गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट नहीं था, ठीक है। तो ये फिर उसका पांच दिन तक, फिर उसके बाद जो जिसको आप लिबरल्स बोलिए या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बोलिए या मोदी के खिलाफ लोग बोलिए, उन्होंने बोला कि इसको बीजेपी का सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, इसको मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट इस पर खामोश क्यों है। तो बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस पर स्टेटमेंट दिया, फिर बीजेपी के लोगों ने ट्वीट करने शुरू किया, बीजेपी के लोग सामने बोलने शुरू हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया था, प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकली मोटिव। तो क्या आप समझते हैं कि इसको जो जो ये मूवी जो है ये एक इसके अंदर कोई ऐसी चीज के जी मतनाज़ मूवी जो बन जाती है कि जी ये है इस वजह से आई कि उन्होंने जो है वो इसके बारे में बोल दिया, पीएम की तरफ से ऐसा कुछ स्टेटमेंट है, इस वजह से इसको नुकसान पहुंचा, या आप समझते हैं कि उस वजह से ये ज्यादा वायरल हुई? ये दोनों ये बातें कही जा रही है ना कि क्योंकि फिर ये ज्यादा वायरल होगी, इसके ऊपर बातें होना शुरू हो गई। ये मूवी जो है ये इंटरनेट पे जो थी ना, इंटरनेट पे इसका बहुत वो, यानी कि ट्विटर पे इसके ट्रेंड्स चल रहे थे, ट्विटर स्पेसेस बनी हुई थी इस मूवी के लिए। इस मूवी के लिए बहुत सपोर्ट हमें पहले से दिख रहा था। पहली चीज, कश्मीरी पंडित्स में इसके लिए बहुत इमोशनल थे, उन लोगों ने ये सब झेला था। तीसरी चीज कि ये पता लग रहा था कि क्या एक्चुअल में हुआ था, क्योंकि हम लोगों ने कभी अखबार पढ़े थे वो 1990s के दौर में, और उसके बाद से हम भूल गए थे, इसने वो रिफ्रेश किया है। और बहुत सारे लोगों ने उस समय पढ़े भी थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन उनको अब एक्चुअल सिचुएशन दिख गई है। सो यही यही चीज हुआ था, और ये इस चीज ने इसको एस्केलेट किया। अब ये बोला जा रहा है कि बीजेपी से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, बीजेपी देखिए ऑपोजिशन है, बोलने के लिए होती है, ऑपोजिशन बोलेगी, बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी वो भी ऐसे ही बोलती थी। तो आई डू नॉट वांट टू कमेंट ऑन इट, बट अगर बीजेपी इसका फायदा मिलना तो चाहिए, बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा जरूर मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, और बीजेपी इसमें सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, अभी भी उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बीजेपी का इसमें कोई हाथ मुझे नहीं लगता यार, मुझे क्यों नहीं दिखता, क्योंकि एक ऐसी मूवी है। सवाल उठ रहे हैं तो ये तो नुकसान नहीं हुआ मैडम, सवाल तो हमेशा उठेंगे ना। हाँ, तो ये नुकसान है, तो सवाल तो उठेंगे, नुकसान तो बीजेपी को होगा, तो वो बीजेपी को झेलना पड़ेगा। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, बीजेपी का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, सच ये है कि अगर सवाल उठेंगे तो यू हैव टू गिव आंसर्स, और उनकी ड्यूटी बनती है देना, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं, ठीक है। वो तो ठीक है। देखिए मैं तो कहती हूँ कि ऐसी जो मूवीज होती है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ ऐसी मूवीज अभी हाल ही में पाकिस्तान में कुछ ऐसी मूवीज बनी जो रिलीज होने लगी थी, उन पे पाबंदी लग गई, वो रिलीज नहीं हुई। मैं समझती हूँ कि इस तरह के टॉपिक्स जो कि कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन बड़े ही एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसपे जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो उसमें पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, वो आनी चाहिए। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे ना, तो मैं तो क्योंकि ये सुन रही थी कि इसका फायदा होगा,
तो अब आप कह रहे हैं कि उसका नुकसान हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि फायदा और नुकसान दोनों होंगे शायद ऐसा हुआ है ना। बिल्कुल, बीजेपी को इसका फायदा होना चाहिए क्योंकि हिंदुत्व वेव भी है, बीजेपी हिंदुत्व वेव बीजेपी को सपोर्ट करती है, और क्योंकि हिंदू के साथ क्या हुआ और उस पर बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन जिस समय यह हुआ था उस समय बीजेपी ही सेंट्रल गवर्नमेंट को आउटसाइड सपोर्ट दे रही थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो बीजेपी को सपोर्ट को विड्रॉ कर लेना चाहिए था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। देर आर थिंग्स, तो हर हर तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बीजेपी इस पे भी जवाब दे रही है कि भाई हम आउटसाइड सपोर्ट में थे, हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते थे, तो वो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत क्वेश्चन है, राइट मैम। ये इतना इतना सिंपल, पॉलिटिकली इतना सिंपल नहीं है गेम, लेकिन बीजेपी को बाय एंड लार्ज इसमें फायदा मिलता दिख रहा है। लेकिन इस मूवी में बीजेपी को खुद नहीं पता था, पहले 4 दिन या 5 दिन बीजेपी को खुद नहीं पता था कि ये हमें पॉलिटिकली फायदा दे रही है। बीजेपी कुछ नहीं, एक सेंटेंस नहीं सुनाई दिया और एक ट्वीट नहीं हुआ बड़े बड़े लीडर्स की तरफ से, तो बीजेपी खुद हमें पहले 5 दिन तो मैं बोलूं तो बीजेपी इससे डिस्टेंस मेंटेन करती दिख रही थी। उसके बाद बीजेपी, जब बीजेपी पे इतने आरोप लग गए कि बीजेपी क्यों नहीं बोल रही और बीजेपी को अपना हिंदुत्व स्टैंड बचाना पड़ा, तो बीजेपी उसमें कूदी, ये भी साफ है। अच्छा एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ जो है, क्योंकि लिखा जा रहा है बॉलीवुड हंगामा में देख रही थी, थ्रो बैक अगर आप देखें तो, क्योंकि ये कहा जा रहा है ना आमिर खान और शाहरुख खान वगैरह पे ये कहा गया कि जी ये इसके खिलाफ है इस तरीके से, तो उनके खिलाफ काफी चीजें जो है वो हमें पढ़ने को और देखने को सुनने को मिली। उसमें कहा जा रहा है कि आमिर खान जो है उन्होंने रिटर्न ऑफ कश्मीरी पंडित जो है उसके लिए 2016 में उसको उन्होंने सपोर्ट की थी ये बात। फिर उसके बाद शाहरुख खान के बारे में आया है कि उन्होंने एक कश्मीरी फैमिली 2015 में उनकी इसी सिलसिले में बहुत मदद की थी। तो मतलब ये कि ये सारा कुछ आ रहा है, और उन्होंने आमिर खान से एक उसमें कुछ कुछ किसी जगह मौजूद थे तो उनसे पूछा रिपोर्टर ने कि आप ये फिल्म के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अनुपम खेर की एक्टिंग जो है वो मैं देखना चाहूंगा। तो मैं अब आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि इसको टेक्निकली आप कैसी देख रहे हैं फिल्म? फिल्म बहुत अच्छी बनाई गई है, इसके ऊपर एक बड़े बजट की मूवी है, क्योंकि मैंने ये भी सुना है और पढ़ाई है इसके मुताबिक कि फिल्म जो है वो बड़ा बजट नहीं है, बहुत कम बजट है, टेक्निकली काफी इसमें जो है वो इस तरह की हैं मिस्टेक्स हैं एरर्स हैं, और इसके अलावा ये भी कि इसको कहीं पर जो प्रमोशन करते हैं वो भी ज्यादा नहीं हुई क्योंकि बजट नहीं लगाया गया, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल सही, फिल्म लो बजट थी। लो बजट मतलब क्या, बहुत बड़े बजट की, मीडियम बजट बोल सकते हैं आप, फिल्म मीडियम बजट थी। आउटडोर लोकेशंस हैं इसमें, पहाड़ों की लोकेशंस हैं, कहीं बाहर पहाड़ों में जाके शूट किया होगा, और कोई ऐसा आपके दो यंगस्टर्स दर्शन कुमार, बहुत अच्छी एक्टिंग है दर्शन कुमार की, एक्टर है, भाषा सुंबली खुश खुद कश्मीरी पंडित हैं, उन्होंने वो एक्टिंग की है गिरजा टिक्कू की, वही सेम रोल उनका दूसरे में भी है जिसको चावल खिला दिए गए थे, वो गिरजा टिक्कू का सॉरी भाषा सुंबली का काम बहुत अच्छा है। दो कैरेक्टर्स, एक अनुपम खेर और एक मिथुन चक्रवर्ती, आप अगर मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग देखेंगे ना तो जैक निकलसन को भूल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। एक बार आप मिथुन चक्रवर्ती की एक्टिंग देखिए, जैक निकलसन का वो बार वाला सीन कभी आपने देखा हो, या यू कांट हैंडल द ट्रुथ, ये सीन देखे हो दो तो आप फैन हो जाएंगे, इतनी बढ़िया एक्टिंग करती है। लेकिन इसे इसे देख करके, इस बार मिथुन चक्रवर्ती को देख के, मैं कभी उनका फैन नहीं था, इस मूवी को देख के उनका फैन बन गया, इतनी बढ़िया एक्टिंग है, उन्होंने जैक निकलसन को फेल कर दिया। अगर आप ऑस्कर में भेजें एक ये हो और एक जैक निकलसन हो तो अवार्ड इसी को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं, मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। आप बताओ कि हमें जो ना बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें जिनके नाम आप ले रहे हैं इनकी एक्टिंग पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा चंक जो है वो फैन है बॉलीवुड का, एक्टिंग तो ऑब्वियसली नो डाउट आपकी इंडस्ट्री जो है वो तो अब तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री कही जाती है, एक्टिंग तो कमाल की होगी ही, लेकिन आप समझते हैं कि इसको टेक्निकली सही तरीके से इसको डील किया गया, और कोई जो बात की जा रही है कि बड़ी एक अगर आप इसकी टेक्निकल स्किल्स देखें तो बड़ी लो प्रोफाइल में आप देख सकते हैं इसको या इस तरह से, तो देखने में आप समझते हैं कि बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन बजट ज्यादा नहीं है और ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं बनाई। मैम एक चीज के बजट हो वो अलग चीज है, बजट ज्यादा नहीं था, ये तो दिख रहा है, फिल्म को देख के पता चल रहा है कि बजट ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी कमी डायरेक्शन ने पूरी की है। विवेक अग्निहोत्री बहुत अच्छा काम किया, उनकी वाइफ पल्लवी जोशी ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखें मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि वो अभी कुछ टाइम पहले तक टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी के लीडर थे और अब वो अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, बीजेपी के नहीं है,
इसलिए वो कहीं सामने दिख नहीं रहे हैं शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता यही रीजन है या नहीं है, लेकिन मुझे ये रीजन लग रहा है क्योंकि वो पॉलिटिकल है और वो बीजेपी से अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए जब प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई तो वो नहीं गए, योगी से मीटिंग हुई इनकी स्टारकास्ट की तो वो नहीं गए, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की एक बार आप एक्टिंग देख लेंगे ना इसमें, या अनुपम खेर भी अगर आप एक बार देख लेंगे ना मैम, मैं मान रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप इनकी फैन हो जाएंगे, बहुत अच्छी एक्टिंग की, बहुत बढ़िया एक्टिंग की, एक एक जगह आपको इस बात का जवाब दिया, हम तो ऑलरेडी फैन है, एक्टिंग पे तो कोई डाउट्स है ही नहीं, हमें तो मतलब तो मतलब आप इसके बाद एक पासपोर्ट साइज फोटो उनकी जेब में रख के घूमेंगी, गारंटी ले लीजिए, कितनी अच्छी एक्टिंग है, इतनी बड़ी फैन कभी भी किसी की नहीं हुई, वो मैं हूँ एलन मस्क या इस टाइप के लोगों की, वैसे और बहुत कम लोगों की। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो अभी आपने बात की, आपने एक बात की कि जो कुछ एक्टर्स थे इसमें से, वो जब कहीं पर जैसे योगी ने, योगी आदित्यनाथ ने उनसे स्टारकास्ट मिलने गई, इस तरह गई, तो वो नहीं गए, तो वो क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि ये जो है ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बन जाएगी बात, या वो ये समझते थे कि इसमें कॉन्ट्रोवर्सी है, इस वजह से वो मिलने नहीं गए। आप ये नहीं, वो योगी से मिथुन चक्रवर्ती की मीटिंग एक अलग कंट्रोवर्सी पैदा कर देती, क्या ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो उसको शायद अवॉइड कर रहे थे, मतलब मुझे मुझे दिख रहा है, क्योंकि इनकी अनुपम खेर की वाइफ खुद एमपी हैं, बीजेपी की सेकंड टर्म है, तो अनुपम खेर को प्रॉब्लम नहीं आती है, और अनुपम खेर इस समय पॉलिटिक्स में नहीं है, ऐसा कोई उन्होंने इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया पॉलिटिक्स में घुसने का, ना विवेक अग्निहोत्री ने, ना पल्लवी जोशी ने, इन्होंने किसी ने पॉलिटिक्स में घुसने का इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो इनका जाना बनता है, लेकिन वो मिथुन चक्रवर्ती एमपी रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं हमारे, रिजाइन किया था उन्होंने, और उसके बाद क्योंकि वो अब भी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, तो ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो जाती हैं, और वो शायद उनके लिए अच्छा नहीं होता, तो शायद इसलिए वो अवॉइड कर गए, ये मेरी अजम्पशन है, ये कोई पक्का गारंटी नहीं मेरे पास इसकी। ओके, मैं समझ रही हूँ बिल्कुल, जिस तरह आपने, क्योंकि आपकी बातों से बातें निकल रही है, जिस तरह आपने ये बात की, तो चलिए ये तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो पार्टी जो है वो दूसरी है, इस वजह से बन जाते, तो एक और खबर बन जाती कि इन्होंने वो वाली पार्टी ज्वाइन कर ली। अच्छा, इसमें जो कुछ एक्टर्स हैं जैसे कि अनुपम खेर हैं, वो वोकल हैं बहुत इस बारे में कि वो एक पार्टी को बहुत ज्यादा उसकी प्रेज भी करते हैं, उसको सपोर्ट भी करते हुए नजर आते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे एक्टर्स जो कि एक तरफ टिल्ट रखते हो अपना, यानी कि उनका जो नजरिया हो, उनकी जो आइडियोलॉजी हो, वो किसी एक सियासी पार्टी की तरफ हो, वो अगर इस तरह की मूवी में काम करेंगे तो उस पर फिर ज्यादा इसलिए होगा कि देखें ये तो इन्होंने इसमें काम किया है, वो तो काम ही इसलिए किया है, और लोग ये कहेंगे हाँ ये तो मूवी ऐसी है, क्या आप समझते हैं ऐसा है ऐसे? वैसे मैं एक जनरली सवाल कर रही हूँ, यानी आप ऐसा समझते हैं कि फिर टेंट रखने वाले लोगों को, एक्टर्स को ऐसी मूवी में काम नहीं करना चाहिए, या आप समझते हैं कि काम करना चाहिए? मैम, अनुपम खेर की वाइफ जो है वो बीजेपी की एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा में इलेक्टेड चंडीगढ़ से, ये बात तो सही है, तो अगर मेरी वाइफ एमपी हो बीजेपी से तो मेरा टेंट तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनुपम खेर एक विक्टिम भी है अनुपम खेर, और मेरी पंडित हैं, और उन्हें भी 1990s में उनकी फैमिली को भी भागना पड़ा था, तो एक विक्टिम अगर मूवी में काम कर रहा है तो हम मानेंगे कि उसको राइट बनता है इसमें। आई गॉट इट, ठीक है, मुझे ये नहीं मालूम था ना, तो इस वजह से मैंने पूछा कि उन्होंने काम किया है, तो ठीक है फिर तो जाहिर है कि वो बिल्कुल कर सकते हैं, उनको हक हासिल है कि वो कहेंगे ये तो मेरा ही टॉपिक है, मैं क्यों ना काम करूं। सही। अच्छा, आखिरी सवाल, भाषा सुमली भी जो कि लेडी है लीड रोल में, वो भी कश्मीरी पंडित है, उनकी फैमिली के लोगों को भी ऐसी सिचुएशन झेलनी पड़ी थी, तो दो विक्टिम्स इसमें हैं जिन्होंने ऐसी सिचुएशन को झेला। ठीक, अच्छा अब एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी, ये भी जो है मैंने जो पढ़ा जो देखा इसके बारे में, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अब तक, वो ये है कि इस मूवी के बाद जो एक कॉन्फ्लिक्ट है मुस्लिम और हिंदू का वहां पर, उसमें जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और इस तरह की चीज ज्यादा देखने को मिलेगी, और जो बर्ताव है मुस्लिम्स के द्वारा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या आप समझते हैं कि ऐसा है इस फिल्म के आने के बाद ऐसा हो सकता है? ऐसा दो हफ्ते हो गए, हमें ऐसा कहीं दिखा तो नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कहीं पे राजस्थान छोड़ के, राजस्थान में भी एक शहर छोड़ के हमें कहीं और कुछ, मतलब कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिखा, सिर्फ एक शहर में 144 लगाई थी,
और 144 क्योंकि हम दोनों का, पाकिस्तान का और इंडिया का दोनों का कानून सेम है। इस फिल्म की वजह से 144 लगाई है? हाँ, इस फिल्म की वजह से 144 लगाई गई थी। या हाँ, पाकिस्तान इंडिया का दोनों का जो दोनों की जो धारा 144 है ना, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों की सेम है और एक ही काम करती है, इसलिए मैंने 144 का नाम भी ले लिया। तो हाँ, कौन से शहर में? कोटा में लगाई गई थी, कोटा में 144 लगा दी थी, और बाकी बाकी कहीं पे ऐसी नहीं लगी, बाकी कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या वजह हुई थी, क्या हंगामे हो रहे थे, किसने इसके खिलाफ? एंटीसिपेटरी, उन्होंने एंटीसिपेट करके कि कुछ दंगा ना हो जाए, उन्होंने लगा दी। कांग्रेस गवर्नमेंट है वहां पे, तो ये भी एक इशू बन गया कि कांग्रेस उसको रोक रही है, ये भी इशू बन गया। मतलब इंडिया में इशू बनाना तो बहुत आसान काम है, आप किसी चीज को, प्राइम मिनिस्टर ने नीला कुर्ता क्यों पहना था वो भी इशू बन जाता है। तो डोंट फॉरगेट इट। तो एक ही जगह 144 लगी थी, उसके बाद मूवी देखने के बाद भी कहीं नहीं देखा। अब नारेबाजी तो कर सकते हैं। और दूसरा, जहां पर, जहां तक आपने खान की बात की, सलमान खान, और सलमान खान को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि सलमान खान एक ऐसा आदमी है जिसके लिए पूरे कंट्री में मुस्लिम्स को मैं भी बात कर ही नहीं रहा, मुस्लिम्स में उनका मैसिव सपोर्ट है, हिंदूज भी उनका नाम इज्जत से लेते हैं और उनको उनको हाथों हाथ लिया जाता है। उनकी जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, सोशल वेलफेयर जो काम है, बींग ह्यूमन में वो बच्चों की हेल्प कर रहे हैं और कई चीजें चला रहे हैं, उनकी उनके बींग ह्यूमन की टी शर्ट यहाँ पे बहुत महंगी बिकती है इंडिया में, क्योंकि वो जाती है हेल्प के लिए। बींग ह्यूमन इंडिया में ब्रांड है, बिकती है, कहीं कहीं पर मिल जाती है, कोई एक आधी, बहुत ही कम, लेकिन बड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन वो अच्छा काम भी करते हैं। उनके खिलाफ बात ना कीजिएगा क्योंकि मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं खिलाफ, क्योंकि सलमान खान यहाँ पर हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई और रिलीजन के लोगों, उनके दिल में बसते हैं। सलमान खान के खिलाफ कोई आदमी जनरली बोलता हुआ मैं दिखता नहीं है, क्योंकि सलमान खान के बींग ह्यूमन उनकी जो वो है, वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जी। बाकी दोनों खान की बात करते हैं, शाहरुख खान और आमिर खान, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों की फिल्में भी हिट इसी कंट्री में होती हैं, और इन दोनों की फिल्में जो हैं वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ती चली जाती हैं। हिंदू देखते हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं देखते हैं, और वो पूरी जो उनकी क्रू होता है वो उसमें कई बार तो वो अकेले मुसलमान होते हैं, डायरेक्टर हिंदू होते। तो ऐसा एक दो लोगों ने नारे लगा दिए तो लगा दिए, अदरवाइज बाय एंड लार्ज ये खान्स जो हैं, इनको बहुत सपोर्ट है इंडिया में और बहुत अच्छा सपोर्ट है। अब मैं कोई एक दो आकर के ये भी बोल दे कि इंडिया में हमें प्रॉब्लम है, इंडिया में कोई राइट्स नहीं है, वो उनके अपनी पर्सनल राइट है। मैंने आज तक जो लोग भी बोलते हैं कि इंडिया में खतरा है, इंडिया में प्रॉब्लम है, मैंने आज तक नहीं देखे, वो इंडिया से छोड़ते हुए जाते हुए इंडिया में रहते हैं वो आराम से, और एक भी पत्थर नहीं पड़ता उनके घर पे। तो इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है इंडिया में। ये जो हमने बात की सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, इन सब की, वो के इंडिया के सुपरस्टार्स हैं, टॉप क्लास हैं, सब मुस्लिम्स हैं, तो इसके बावजूद कि ये जब उनके खिलाफ कोई केस चलता है, जिस तरह के सलमान खान के खिलाफ जो है वो जेल और ये सब कुछ चलता रहा, फिर जो है वो इस तरह की बहुत काफी लंबे लंबे केसेस चलते रहे, तो मैं ये समझती हूँ, मैं आपको सच बात बताऊं कि जितना ज्यादा वहां पर ये सुपरस्टार हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते कभी ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि हम कभी ऐसा यहाँ पर सोच सकते हैं। और मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ इस चीज का, भाई क्या बात है वहां पर कि कैसे जबरदस्त जो सुपरस्टार्स हैं, और जो बातें होती होती हैं कहीं ना कहीं होती होंगी, लेकिन एक तरफ हम ये भी देखते हैं। बल्कि एक और बात मैं इसमें शामिल भी करूँ कि पाकिस्तान के जो लोग वहां पर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टार्स जिनको पाकिस्तान में अरसे तक मेहनत करने के बावजूद वो फेम और वो पैसा नहीं मिला था, जो कि बॉलीवुड पहुंचने के बाद, वहां पर काम करने के बाद उनको जो फेम मिला और जिस तरीके से उन्होंने शूट किया ऊपर और जो वो सुपरस्टार बने, तो मैं तो इसको एक्सेप्ट करती हूँ, बहुत कमाल बात है, अच्छी बात है। लेकिन इसको मैं ये समझती हूँ कि इसी तरह जारी रहना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए, हर जगह ऐसा ही होना चाहिए, जो स्टार्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसको तो फ्लरिश करना चाहिए। बहुत ही आपने तमाम सवालों के बड़े जबरदस्त तरीके से मेरे जवाब आ दिए, और अभी तक मैंने ये नहीं देखी, लेकिन मैंने सोचा कि क्योंकि एक ऐसी मूवी के जिसके ऊपर जब कोई ऐसी बातें हो जाए तो वो बहुत वायरल होती है, तो मैंने कहा आप इसके ऊपर कुछ बयान करना चाहिए। मैंने इससे पहले बताऊंगा, लेकिन मैंने बारे में जो है वो सही तरीके से कि फिल्म है कैसी देखने में इस तरह, वो आपसे बात करूं। एक चीज और बताऊंगा,
इंडिया में शाहरुख खान की वाइफ हिंदू है, सलमान खान की वाइफ हिंदू है, नहीं सॉरी आमिर खान की वाइफ हिंदू है, मैं वो स्लिप ऑफ टंग, सॉरी मैम आपने तो दिल तोड़ दिया नहीं नहीं और ये बात आप सलमान को मत बोलिएगा, वो मुझे मारने आ जाएंगे। आमिर खान की वाइफ हिंदू है, वो बोलेंगे तो यार मेरी शादी हो गई तूने बताया नहीं मुझे। हम जानते हैं कि उनकी वो जो उनकी दोस्त हैं उनके साथ, लेकिन मेरा तो दिल उस पर भी टूटा था जब कैटरीना ने शादी कर ली थी कहीं और। चलिए तो शाहरुख खान की वाइफ हिंदू है, आमिर खान की वाइफ हिंदू है, सलमान खान की मदर हिंदू है, सेकेंड मदर वो नॉन मुस्लिम है हेलन, उनकी दोनों बहनों के हस्बैंड हिंदू हैं, उनके दोनों भाइयों की वाइफ हिंदू हैं। मैम अब ये बात बताइए कि अगर ऐसे कंट्री में आप रह रहे हैं और जिन्होंने ये बोला कि इंडिया में डर लगता है उनके खुद की वाइफ हिंदू है, तो ऐसे कंट्री में आप रह रहे हैं जहां पर आपको हिंदू और मुसलमान पे नहीं तोला जाता है, आपको प्रोफेशनलिज्म पे तोला जाता है, तो वहां पर मुझे नहीं लगता कि ये खान्स को के साथ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या किसी और मुसलमान के साथ कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मूवी है, रियलिटी दिखाई उसने, एंड द लाइफ मूव्स ऑन पीपल। अब इसके बाद कश्मीरी पंडित के लिए एसोसिएशंस बनी है नई और फंड्स बने हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनके लिए और काम होना शुरू हुआ है, उनको डिमांड उठी है कि जो कश्मीरी पंडित हैं उनके बच्चों को कहीं पर सीट्स उनके लिए इंजीनियरिंग में या कहीं पे सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी जाएं। ये चीजें अच्छी हैं और ये स्टेप्स अच्छे हैं। जी नोट पे हम खत्म करेंगे। आपने इस तरह कहा कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और एक सेकुलर कंट्री जो होता है उसमें ऐसी ही एक तस्वीर जो है वो जो आपने कहा कि वो जो है जो भी आपने बयान किया शाहरुख और ये स्टार्स जो है उनको हर तरह की आजादी हासिल है, ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि जो आम आवाम और इस तरह की वहाँ पे तो कल्चर और सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और इसके ऊपर बहुत ही तफसील से गुफ्तगू की। थैंक्स अ लॉट दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़ें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियोज़ लाते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने विचार कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ और अगली वीडियो तक आप अपना ख्याल रखिए, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।